नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति कश्यप है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज बच्चों हम लोग सरफेस ऑर्नामेंटेशन थर्ड, जिसका की कोड नंबर CD304 है, जिसके अंतर्गत मशीन एम्ब्रॉयडरी आती है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो कि एम्ब्रॉयडरी होती क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि एम्ब्रॉयडरी है क्या, यानी व्हाट इज एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी सुई और धागे के द्वारा कपड़ों पर नमूने उकेरना या निकालना एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई कहलाती है। एम्ब्रॉयडरी इज द हैंडीक्राफ्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक और अदर मटेरियल विद नीडल एंड थ्रेड। दिस क्राफ्ट मेड ऑन क्लोथ्स लास्ट लॉन्ग, मेक्स द फैब्रिक लुक अट्रैक्टिव। अब ये होता है कि एम्ब्रॉयडरी कितने प्रकार की होती है। एम्ब्रॉयडरी को अगर हम वर्गीकृत करें तो उसको करने की तकनीक, सुई और कार्य करने के तरीके पे और कौन से युग में या कौन से पीरियड में या कौन से दशक में एम्ब्रॉयडरी की गई है, उस पर एम्ब्रॉयडरी का प्रकार जो है वो निर्भर करता है। तकनीक की बात करें तो जितनी धागों की मतलब हम लंबाई लेते हैं और जितने तरीके से धागे को और स्टिचेस को हम काटते हैं उसके अनुसार वो जो होती है और जिस दिशा में स्टिचेस काटे जाते हैं उस पर जो है तकनीक निर्भर करती है। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉलोज द स्टिचिंग लाइंस ऑफ द फैब्रिक विच ब्रांच ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यदि हम मशीन एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो सबसे पहले तो मशीन जो है वो हमारी साधारण स्विंग मशीन, उससे हम जो है वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं। अब ये एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यदि हम एम्ब्रॉयडरी को वर्गीकृत करें या विभाजित करें तो एम्ब्रॉयडरी जो है वो दो प्रकार की होती है। एम्ब्रॉयडरी मशीन के अगर पार्ट्स और फंक्शन की बात करें तो हम एम्ब्रॉयडरी को जो है दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी, दूसरा है कंप्यूटराइज मशीन एम्ब्रॉयडरी। एक होती है सिंगल हैंड एम्ब्रॉयडरी मशीन, एक होती है मल्टी हैंड एम्ब्रॉयडरी मशीन और एक होती है शिफ्ली हैंड एम्ब्रॉयडरी मशीन। फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी मशीन जो हमारी साधारण स्विंग मशीन है उस पर हम जो है हमारे जो फीड डॉग्स हैं या जो टीथ कहलाते हैं मशीन के उनको नीचे करके और हमारा जो स्टिच रेगुलेटर है उसमें हमारी रनिंग स्टिच को हम जो है फ्री रख करके हम जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो उसको फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी में बेसिक जो है वो जिगजैग स्टिचेस या रनिंग स्टिचेस हम जो है काम में लेते हैं। कपड़े को फ्रेम पर लगाया जाता है, फ्रेम पर लगाने के बाद उसको मशीन के अंदर इस तरह से रख करके हाथों को मूव करके जो है नमूने काढ़े जाते हैं और ये कहलाती है फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रॉयडरी करने वाला है वो बहुत ही तकनीक से और तरीके से जो है वो अपने फ्रेम को मूव करके विभिन्न प्रकार के नमूनों को काढ़ता है और एम्ब्रॉयडरी करता है। इसमें मतलब बहुत ही कह सकते हैं दक्षता के साथ अपने फ्रेम को मूव करके एम्ब्रॉयडरी जो है वो की जाती है। दूसरी आती है हमारी कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन। कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन में क्या होता है कि जो ये मॉडर्न टेक्निक पर निर्भर आधारित होती है और ये बनी ही इसी जो मशीनें हैं वो हमारी इसी प्रकार एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ही बनी हुई होती हैं। कुछ हमारी इंडस्ट्रियल मॉडल मशीन होती हैं, कुछ कमर्शियल एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि हुपिंग और फ्रेमिंग सिस्टम होता है ना, जो कि फ्रेम को और इस प्रकार से पकड़ता है कि जो स्विंग नीडल है वो उस डिजाइन के अंदर नमूनों को ही जो है वो काटती रहती है और ये ऑटोमेटिकली ही क्रिएट होते हैं डिजाइन, क्योंकि उनमें इस तरह का प्रोग्राम जो होता है वो फीड रहता है कि जो नमूना हम चाहते हैं, जो स्टिच हम चाहते हैं वो आसानी से कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन में हम कर सकते हैं।
इसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं, जैसे कि सिंगल हैंड एम्ब्रॉयडरी मशीन है और मल्टी हैंड से एम्ब्रॉयडरी मशीन है। अब बारी आती है कि मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। टूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है बात आती है नीडल्स की। नीडल्स जो होती हैं उनका साइज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द फैब्रिक। यदि अगर हम जॉर्जेट और ऑर्गेंडी वाला कपड़ा ले रहे हैं तो 60x8 जो है नीडल सबसे सही रहती है, अप्रोप्रिएट रहती है। और अगर हम मीडियम वेट फैब्रिक जैसे जर्सी, लाइक्रा, लिनन और लेदर के फैब्रिक काम में ले रहे हैं तो 70x10 और 80x12 नीडल जो होती है वो अप्रोप्रिएट रहती है। इसी के साथ यदि हमने हैवी फैब्रिक काम में ले रहे हैं जैसे जीन्स है, विनाइल है, अपहोल्स्ट्री है, तो उसके लिए 90x14 एंड 100x16 जो है वो हैवी वेट फैब्रिक्स के लिए जो है वो कैनवास के लिए, इन सब के लिए बहुत सही रहती है नीडल जो होती है वो अप्रोप्रिएट रहती है। यदि हम और जैसे बहुत ज्यादा मोटे कपड़े हैं उनके लिए हैवी फैब्रिक्स के लिए 110x18 और 120x19 जो होती है बहुत ज्यादा मोटे और थिक कपड़ों के लिए जो है वो काम में ली जाती है। यदि हम फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक जो है नेचुरल फैब्रिक्स जैसे कि लाइट वेट जो मतलब नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट रहते हैं हमारे, चाहे हैंड एम्ब्रॉयडरी करें चाहे मशीन एम्ब्रॉयडरी करें, क्योंकि उनकी जो वीव होती है वो टाइट होती है और स्किन में सबसे अच्छा रहता है कॉटन, लिनन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक मटेरियल भी जो है हम शिफॉन, जॉर्जेट आदि सभी मटेरियल पर जो है वो मशीन एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो फ्रेम हमें चाहिए, नीडल हमें चाहिए और उसके अलावा हमें चाहिए होता है सीजर, हमें धागे चाहिए होते हैं, हमें कटर चाहिए होता है और हमें ऑलपिंस वगैरह की भी जो आवश्यकता होती है वो चाहिए रहता है। वैसे तो एम्ब्रॉयडरी के धागे जो होते हैं एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि अगर मशीन एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो दो तरह से होती है, एक तो सिल्क एम्ब्रॉयडरी और एक वूल एम्ब्रॉयडरी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम थ्रेड काम में लेते हैं। लेकिन हम जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं मशीन एम्ब्रॉयडरी उसमें हम सिल्क का धागा जो है, सिल्क ट्विस्टेड यार्न जो है वो काम में लेते हैं। और एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि हमें अपने कलर एम्ब्रॉयडरी के धागे हैं उनके कलर्स हैं और मशीन में स्पेशल अटैचमेंट लगा करके और टेंशन जो है उसकी सेटिंग को चेंज करके हम जो है डिफरेंट और अलग तरह के जो है इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अलग अलग तरह की स्टिचेस काम में लेकर के हम अलग अलग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादातर हम जो मशीन एम्ब्रॉयडरी में स्टिच काम में लेते हैं वो रनिंग स्टिच लेते हैं काम में, और रनिंग स्टिच जो होती है वो किसी भी नमूने की आउटलाइन को, उसकी फिलिंग को भरने के लिए जो है वो काम में ली जाती है। उसके बाद जो है हमारी स्टिच आती है राउंड स्टिच। राउंड स्टिच जो है वो हमारी क्या कहते हैं कहलाती है कि हम सर्कल बनाने के लिए, जैसे नमूने में कोई चीज एरिया हमें भरना है तो उसमें हम रनिंग स्टिच के द्वारा राउंड सर्कल बना करके उसको फिल करते हैं। देन आती है साटन स्टिच। ये साटन स्टिच जो होती है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका आता है और ये अगर इसको अलग अलग डायरेक्शन में बना करके बड़ा ही ना सुंदर इसका जो है चिकना, कोमल और साफ जो है वो टेक्सचर आता है। देन उसके बाद आता है रेस्ड साटन स्टिच। रेस्ड साटन स्टिच में पहले नमूने पर जो है रनिंग स्टिच कर ली जाती है, उसके बाद उस पर साटन स्टिच की जाती है। देन आता है लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। ये भी हाथ में जैसे हैंड एम्ब्रॉयडरी में जैसे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच करते हैं उसी तकनीक से जो है मशीन एम्ब्रॉयडरी में लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच की जाती है। चाहे तो हम इसे दो रंगों में काम दो रंग के धागों को लेकर के कर सकते हैं या शेडेड जो हमारा धागा है उससे भी कर सकते हैं। देन आती है काउचिंग स्टिच। उसके बाद है काउचिंग में भी हम जो भी कॉर्ड है या जो भी हमने जो भी नमूने की आउटलाइन बनानी है उस पर कोई भी हमने कॉर्ड लगा ली है या वूल लगा लिया है तो उसको बिल्कुल पास पास साटन की तरह जो है उसको काउच करा जाता है, जिससे कि वो या फिर उसको जिगजैग के द्वारा काउचिंग करके आउटलाइन बना ली जाती है। देन फैंसी एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो कटवर्क है,
वूल एंड रिबन वर्क है, एप्लीक वर्क है, पैच वर्क है, इमिटेशन वेलवेट वर्क है, क्विल्टिंग है, बीडिंग एंड सीक्वेन वर्क इसमें आते हैं। अगर हम बात करें द थ्रेड यूज इन एम्ब्रॉयडरी डिफाइन इट्स टाइप, जो जिस प्रकार का हम धागा कढ़ाई में काम में लेते हैं वो उसके प्रकार को दर्शाता है। जैसे कि हम अगर सिल्क और वूल धागा जो है वो एम्ब्रॉयडरी में काम में लेते हैं, सिल्क धागा जब हम एम्ब्रॉयडरी के लिए काम में लेते हैं तो बहुत ही स्मूथ और शाइनी टेक्सचर आता है, जिसको कि हम सिल्क एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। इसके साथ ही जब हम वुलन धागा काम में लेते हैं तो इस प्रकार की एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो मूलतः है लोक कला और परंपराओं पर आधारित होती है, और इस ये ज़्यादातर वूलन धागा जो है वो जैकोबियन और क्रूल एम्ब्रॉयडरी के लिए जो है अक्सर काम में लिया जाता है। अगर हम फैंसी एम्ब्रॉयडरीज की बात करें तो जैसे फैंसी एम्ब्रॉयडरी में हम देखें कि कटवर्क जो है उस टेक्निक में क्या होता है कि नमूने के चारों तरफ जो नमूना हमने बनाया था चारों तरफ पहले जो है रनिंग स्टिच से उसको 3-4 बार रनिंग स्टिच कर दी जाती है, उसके बाद उसको बटन होल स्टिच से या फिर साटन स्टिच से जो है उसको फिल किया जाता है, और उसके बाद जो है उसके चारों तरफ के एरिया को कट कर लिया जाता है, ये कहलाता है कटवर्क। इसी के साथ दूसरा एक वर्क आता है फैंसी एम्ब्रॉयडरी में क्विल्टिंग। क्विल्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि नमूना बना लिया और मुख्य लेयर के नीचे जो है वो कोई भी जैसे कह सकते हैं रुई की पतली परत या फोम, पतला फोम लगा करके, और फिर उसके बाद एक और एक कपड़ा नीचे जो है लगाया जाता है, और फिर उस पर जो है हम जो है एम्ब्रॉयडरी करते हैं, चाहे वो रनिंग स्टिच के द्वारा की जाए या साटन स्टिच के द्वारा की जाए, तो वो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो क्विल्टिंग कहलाती है। फिर आता है रिबन वर्क। रिबन वर्क में भी क्या होता है, या तो बॉबिन में है ना रिबन को भर करके एम्ब्रॉयडरी कर ली जाती है, जैसे 1/4 इंच का जो रिबन आता है उसको बॉबिन में भर करके फिर एम्ब्रॉयडरी कर ली जाती है, या नमूने के अनुसार जो है रिबन को लगा करके फिर उसके ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। आइलेट स्टिच जो होती है वो एक ही होल में से बार बार लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है वो स्टिच बार बार नीडल्स के द्वारा निकाल करके ली जाती है, जिसको कि हम आइलेट स्टिच कहते हैं। एम्प्लीक एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो क्या होता है, मुख्य कपड़े के ऊपर एक कोई डिजाइन करा हुआ दूसरा कपड़ा लगा करके उसको फिनिश किया जाता है रनिंग स्टिच या साटन स्टिच के द्वारा। सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो जो भी हमारे तारे सितारे जो होते हैं जो कि राउंड शेप्ड होते हैं उनमें जो होल होता है उस होल में से बार बार जो है नीडल को निकाल करके विभिन्न प्रकार के जो है वो नमूने तैयार किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं सीक्वन एम्ब्रॉयडरी। उसके बाद आती है कॉर्ड एम्ब्रॉयडरी, ये सीक्वन एम्ब्रॉयडरी है। उसके बाद आती है कॉर्ड एम्ब्रॉयडरी। कॉर्ड में नमूने के चारों तरफ आउटलाइन बनाने के लिए जो है वो कॉर्डिंग की जाती है, इसको भी जो है जिगजैग स्टिच के द्वारा या रनिंग स्टिच के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि साटन स्टिच के द्वारा इसको फिल करके जो है वो मोटिव्स तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी मशीन एम्ब्रॉयडरी है उसको हम अपनी एक सिंपल स्विंग मशीन से हम किस तरह से विभिन्न प्रकार के जो है एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं वो हमने अभी देखे। कुछ बेसिक नमूने हैं, बेसिक स्टिचेस हैं जैसे रनिंग, राउंड, साटन, रे साटन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और कुछ फैंसी एम्ब्रॉयडरी है जैसे कटवर्क, वूल, एप्लीक, रिबन, पैच, इमिटेशन वर्क, और दो तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी और कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर कला है जो कि सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, और यदि ये कला मशीन के द्वारा की जाती है और सिंपल सिंग मशीन के द्वारा की जाती है तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक न्यूनतम खर्च पर, या कह सकते हैं कि हमारे पास साधारण स्विंग मशीन तो सबके घरों में होती है, उससे हम जो है विभिन्न अपने जो परिधान बनाते हैं उनको एम्ब्रॉयडरी से सुसज्जित करें और उनको अलंकृत करके बनाएं तो वो बहुत ही सुंदर बनते हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बनते हैं। इससे हम जो है अपने स्वरोजगार की तरफ भी जो है वो प्रेरित होते हैं कि हम अपने गारमेंट्स को सुंदर सुंदर इफेक्ट दे करके उनको विभिन्न प्रकार के वैरायटी में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपना रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू।